हरियाणा विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी ने साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है। आज दिल्ली में संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जजपा नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि दोनों संगठन प्रदेश की सभी 90 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। काशीराम और चौधरी देवीलाल जैसे दो महापुरुषों के विचारों को लेकर आगे बढ़ने वाला यह गठबंधन हरियाणा के भविष्य की एक मजबूत नींव रखने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन युवा सरकार बनाने और जनता के सपनों को पूरा करने के लिए कार्य कर रही है। जल्द ही टिकटों का बंटवारा भी होगा। जजपा 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि आजाद समाज पार्टी 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। चौधरी देवीलाल जी और स्वर्गीय काशीराम जी के पद चिन्हों पर जैसे पहले 1998 में मिलकर लड़ाई लड़ी थी, उन्हीं पद चिन्हों पर आगे बढ़कर हरियाणा प्रदेश के अंदर जो ये कदम आज हम मिलकर उठा रहे हैं, ये कदम आने वाले हरियाणा के भविष्य की एक मजबूत नींव मिलकर लिखने का काम करेगा और मजबूती के साथ दोनों संगठन प्रदेश के 90 के 90 विधानसभा सीटों को लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी और हरियाणा प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि युवा सरकार बनाने का काम करेंगे, जो गरीब की, कमेरे की, मजदूर की, छोटे दुकानदार की, महिलाओं की, युवाओं की आवाज बनकर मजबूती से लड़ पाए। उधर आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जजपा के साथ मिलकर हमारा गठबंधन हरियाणा को सशक्त बनाने के लिए आगे बढ़ेगा और अंतिम व्यक्ति के सरोकारों को पूरा करने के लिए जी जान से काम करेगा। जो है एक नया निर्माण करेगी। मैंने इनसे ये भी अपील की थी कि जो भी हमारे जैसे साथी हों, जो चाहते हों कि किसान, कमेरे, नौजवान, महिलाओं के सशक्तिकरण की आवाज आगे बढ़े, उनको भी अपने साथ में आप जोड़ लो। मेरा भरोसा है कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ नई ताकतें भी, नए ऐसे साथी भी आपको हमारे साथ देखने को मिलेंगे जो चाहते हैं कि हरियाणा मिलके इसी आइडियोलॉजी पर आगे बढ़े कि किसान किस कमेरे की बात मजबूर। पुरानी चीज़ों के लिए मैं अपने महान नेताओं का धन्यवाद करता हूं और मेरा विश्वास है कि अब हम इस लड़ाई को तेजी से आगे बढ़ाएंगे और इस ताकत को बनाने में कामयाब होंगे।